हेलो दोस्त, भारत ने WTC की फाइनल को जिताया। फिर सर एक बार बोलता हूँ, भारत ने WTC की फाइनल में पहुँच गया। जो 7 जून से 11 जून कैनिंगस्टन ओवल में खेला जाएगा, इस 5 दिन की बीच में एक दिन एक्स्ट्रा डे रखा है 12 जून के लिए। अगर बारिश के कारण मैच कोई भी मैच का जो टाइम वो रिड्यूस हो जाता है, तो इसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा दिन 12 जून को रखा गया। और इस मैच आप स्टार स्पोर्ट्स से सीधा देख सकते हैं, साथ साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो मैच था, फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, ये तो पहले ही तय हो गया था, कल से तय हुआ था कि इस मैच में शायद कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन सबकी धन था न्यूजीलैंड और श्रीलंका टेस्ट में। मैं लगातार इस 4 दिन आपको इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया की मैच के साथ साथ उस मैच का भी अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि उस मैच से ही तय होता था कि भारत WTC की फाइनल में पहुँच जाएगा या श्रीलंका पहुँच जाएगा। तो मैच कभी भी एकदम माप जाम की पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर हुआ है। कभी न्यूजीलैंड टॉप में था, कभी श्रीलंका टॉप में था। तो आज तो एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड हार जाएगा, क्योंकि 80 पर उनका 3 विकेट चला गया था। लेकिन ये क्रिकेट इज़ ए ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। तो वहाँ से कैप्टन विलियम्स ने सेंचुरी लगाकर, और डारिल मिचेल जिन्होंने पहली इनिंग्स में भी सेंचुरी लगाया, इस मैच में भी सेंचुरी की करीब बैटिंग किया। तो इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हुआ है, वो ही इस फैसला कर दिया इस मैच का। और जबकि श्रीलंका ने इस मैच को हार गया है, तो अगर दूसरी टेस्ट में श्रीलंका जीत भी जाए लेकिन वो फाइनल में पहुंच नहीं सकेगा, तो WTC की फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत इन दोनों के बीच मुकाबला होगा। तो जो मैंने पहले बोला था, जो 7 जून से 11 जून तक इस मैच चलेगा। आज इस टेस्ट का जो मैन ऑफ द मैच था वो विराट कोहली था। बहुत दिनों लगातार 40 महीनों के बाद वो फेलियर होते रहे टेस्ट में, तो फिर उन्होंने जाके सेंचुरी लगाया है, ये बहुत ही एक बड़ा बात। और इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने जो बहुत ही एक बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन भारत ने उसको पार कर सका। उसका मेन हकदार था गिल, कोहली और अक्षर पटेल। और इस सीरीज का जो प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं, प्लेयर्स ऑफ द सीरीज यानी मैन ऑफ द सीरीज नहीं, मेन ऑफ द सीरीज हुआ है, क्योंकि दो लोग जॉइंटली मैन ऑफ द सीरीज हुआ है, वो है रविंद्र जडेजा और ओशिन। ये सही भी है, क्योंकि इन दोनों ने जब भी इंडिया इस सीरीज में कभी भी प्रेशर में थे, तो तब तो इन दोनों ने अपना ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखा कर इंडिया को उस डेंजर से बाहर निकाला है। तो इसीलिए तो जडेजा और ओशिन नंबर 1 और नंबर 2 है। तो दोस्तों, आज बहुत ही एक खुशी का दिन है इंडियन क्रिकेट प्रेमियों के लिए। इससे पहली बार तो भारत ने WTC की फाइनल हार गया था न्यूजीलैंड से, तो इस बार भारत लगातार 2 बार फाइनल में पहुंच गया है WTC का, एक बहुत ही बड़ा बात है। आप देखना है क्या 7 जून से 11 जून यानी 12 जून जो एक्स्ट्रा दिन था, उस मैच को भारत इसी ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा, क्या उस मैच में भारत जीत हासिल करके WTC जीत सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए चैनल के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।